लाइव खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस बदमाशों को सरेंडर कराने में जुटी हुई है। ताजा मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नवाला का है, जहां पुलिस ने एक गैंगस्टर रुचिन त्यागी के घर पहुंचकर उसकी कार को सीज कर उसे अपने साथ थाने ले आई। पुलिस की माने तो जो शराब माफिया, गौ तस्कर और अन्य अपराधों में शामिल हैं, उनके अवैध काम से अर्जित की गई संपत्ति को सीज करने की कार्यवाही लगातार की जा रही है, जिससे फरार अपराधी जुर्म की दुनिया को छोड़कर पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। बता दें, रुचिन त्यागी ने अवैध शराब तस्करी के काम से बड़ी तादाद में संपत्ति अर्जित की हुई है। रुचिन त्यागी पर मंसूरपुर पुलिस ने 31 जुलाई को गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। आला अधिकारियों की माने तो गैंगस्टर रुचिन त्यागी की सीज की गई कार की वैल्यू 3,70,000 है, जिसको नीलाम किया जाएगा। ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित है, जिसमें शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जनपद स्तर पर की जा रही है। इसमें आज नावला गांव में रुचिन के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसकी एक गाड़ी जब्त की जा रही है जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार, और ये जब्त की जाएगी। उसके 3,70,000 रुपये कीमत है। यदि 3,70,000 रुपये कोई व्यक्ति देता है तो इसकी नीलामी कर दी जाएगी उसके पक्ष में। इस प्रकार अगर ये एक सप्ताह के भीतर अगर यदि अपने आप को समर्पित नहीं करता है, कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है, तो इसके घर पर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसता आ रहा है। वहीं इस तरह की पहल से भी अपराधियों पर लगाम लगेगी। फिलहाल देखना यह होगा कि ये पहल पुलिस प्रशासन की कितनी कारगर साबित होती है। तो ये थी मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता सनी धीमान की रिपोर्ट। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लाइव खबर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।